गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रमाते हिलव्यू एकेडमी। मैं हूँ रेखा, हिंदी भाषा शिक्षिका। लास्ट क्लास में हम रैदास के पद के पहले भाग को देखे थे। आज हम इस क्लास में हम रैदास के दूसरे पद के बारे में ज्यादा जानकारी पाएंगे। तो आइए सीखते हैं दूसरे पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजो गुसिया, मेरा माते शत्रु धरे, जाकी छोती जगत कौ लागे, ता पर तू ही डरे, निज हो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासो सुनहु रे संतहु, हरि जीवु ते सभय सरे। तो आइए अब सीखते हैं शब्दार्थ। लाल का मतलब स्वामी। कौन का मतलब कौन। कौन का मतलब कौन। गरीब निवाजू का मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसिया उसे स्वामी कहते हैं, नहीं तो गुसाई, स्वामी नहीं तो गुसाई। माते चतुर्दरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। मातु चतुर्दरे का मतलब है मस्तक, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करते हैं। चोती का मतलब चुआचूत, अस्पृश्यता। जगत कौ लागई, संसार के लोगों को लगती है। जगत कौ लागई का मतलब संसार के लोगों को लगती है। ता पर तू ही डरे, उन पर द्रवित होता है। निच हो ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करना। नामदेव एक महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। एक कवि का नाम है, वो कहाँ के है, महाराष्ट्र के है। तिलोचनु को त्रिलोचन भी कहते हैं, और ये प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो नामदेव के गुरु भी थे। नेक्स्ट सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सधना एक उच्च कोटि के संत थे, सेंट थे। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत थे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन भी माना जाता है। हरि जीवु का मतलब है हरि जी से, भगवान हरि जी से। सभय सरय, सब कुछ संभव हो जाता है। सभय सरय का मतलब क्या है, सब कुछ संभव हो जाता है। तो अब हम सीखते हैं दूसरी पद में पहला लाइन की ओर देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, इसका मतलब है हे मेरे स्वामी, हे मेरा गुरुवर, ऐसे तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। यहाँ पर भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान क्या क्या कुछ कर सकता है उसके बारे में यहाँ पर रैदास हमें बता रहे हैं। इस तरह कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसिया, मेरा माते छत्रुदरे। सेकेंड लाइन में कह रहे हैं गरीब निवाजू गुसिया, मेरा माते छत्रुदरे, इसका मतलब है दीन दुखियों पर दया करने वाला मेरा ईश्वर, मस्तक पर स्वामी होने का क्या धारण किया है, मुकुट धारण किया है, करता है, अर्थात उन्हें भी सिर मोर बना देता है। इसका मतलब है जिन लोगों ने भगवान पर खुद को न्योछवार करते हैं, उन लोगों को भगवान ज्ञान देता है। उसका मतलब अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले मेरे गुरुवर के मस्तक पर ज्ञान का तेज झलकता है, अर्थात उन्हें भी अभिमान से भर देता है। यहाँ पर इसका मतलब है जो लोग भगवान के शरण में आते हैं, उन सबको भगवान बिना किसी भेदभाव से मदद करता है, सबको अभिमान से भर देता है। जाकी चोती जगत कौ लागई, ता पर तू ही डरे,
इसका मतलब है घर में लोग जिनसे छुआछूत का व्यवहार करते हैं भगवान उनके प्रति भी द्रवित होते हैं। जिन्हें अज्ञानी मानकर लोग उपेक्षित करते हैं भगवान उन पर भी उन्हें भी मुक्त हस्त से ज्ञान देते हैं। जिन लोगों को निचली जाति का कहकर मानकर समाज छुआछूत करता है भगवान उन पर भी कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं। नेक्स्ट लाइन, नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू ते ना डरे। नीचहु ऊंच करे, नीचे को नीच को भी, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है कौन? गोविंद। मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, वह नीच को भी ऊंचे आसन पर विराजमान कर देता है। मेरा गुरु कोई भेदभाव नहीं करता, वह सबको समान भाव से देखता है और समान भाव से ज्ञानार्जन करवाता है। भगवान किसी से नहीं डरता है, वो निर्भय है। वो क्या करता है? नीचहु ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करने में उन्हें किसी के भय नहीं है, वो निर्भय है। इस तरह इस पद में रैदास कह रहे हैं। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। ये लोग संत लोक माने गए हैं। इनका जन्म नीच कुल में होने के बावजूद भी भगवान की कृपा से वे भी अंततः महान माने गए हैं। नामदेव कबीरु कबीर त्रिलोचन सधना सैनु, निम्न जाति के होकर भी प्रभु जी की कृपा से अमर हो गए हैं। वे प्रभु जी के आपकी भक्ति करके, भगवान से भक्ति करके थर गए हैं, अर्थात वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए हैं। कही रविदासो सुनहु रे संत हु हरि जीवु ते सभई सरई। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतो, ईश्वर साथ दे तो सब कुछ संभव है। इसका मतलब है हरि जीवु का मतलब हरि जी से सभाई सरई का मतलब है सब कुछ संभव हो जाता है। आगे बढ़ते हुए कहते हैं अगर किसी को नीच कुल का समझने वालों, इस समाज में किसी ने किसी को नीच कुल समझते हैं ना, उन लोगों को कह रहे हैं यदि प्रभु जी से प्रभु का मतलब यह पर गुरु जन से ज्ञान पाने का अवसर मिले तो निम्न जाति के लोग भी उच्च कुलीन मेधावी के समान बनकर दिखा सकता है। इस तरह इस अंतिम पंक्ति में रविदास इस तरह कह रहे हैं। रविदास नहीं तो रविदास हो कह रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।